के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे बड़ी खबर की जो आ रही है नरसिंहपुर से, जहां किसानों ने उग्र आंदोलन किया है। किसानों ने करीब 4 घंटे से NH-26 पर जाम लगाकर रखा है। गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर रोड पर किसान खड़े हुए हैं। गन्ने के उचित दाम न मिलने से किसान नाराज हैं। नरसिंहपुर में किसानों ने उग्र आंदोलन किया है। किसानों ने करीब 4 घंटे से NH-26 पर जाम लगाकर रखा है। गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर किसान रोड पर खड़े हुए हैं। गन्ने के उचित दाम न मिलने से किसान नाराज हैं। नरसिंहपुर में किसानों ने उग्र आंदोलन किया है। किसानों ने करीब 4 घंटे से NH-26 पर जाम लगाकर रखा है। गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर किसान रोड पर खड़े हैं। गन्ने का उचित दाम न मिलने से नाराज हैं। नरसिंहपुर में किसानों ने उग्र आंदोलन किया है। किसानों ने करीब 4 घंटे से NH-26 पर जाम लगाकर रखा है। गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर किसान रोड पर खड़े हैं। गन्ने के उचित दाम न मिलने से किसान नाराज हैं। हमारे संवाददाता मदन तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर रोड जाम कर रखा है उन्होंने, NH-26 पर जाम लगा के रखा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे से ये जाम की प्रक्रिया जारी थी। पहले जिला मुख्यालय को का जो मुख्य मार्ग सब बंद किया। किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कलेक्टर को, एक घंटे के अंदर हमारे बीच में आए। जब कलेक्टर नहीं आए तो उन्होंने नाराज होकर जो किसान है वो नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गए। कुछ मिनट वो उन्होंने रेलवे ट्रैक पर भी बैठे और उसके बाद उठकर वो सीधे के सीधे नेशनल हाईवे 26 पर आकर बैठ गए, जहां उन्होंने पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। और अब लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे में अभी तक कलेक्टर यहां पर नहीं मौजूद हुए और किसानों का आक्रोश बढ़ते ही चला जा रहा है। और वो सिर्फ यही बात करना चाहते हैं, हम कलेक्टर से बात करेंगे, अन्य किसी से बात नहीं करेंगे। इस बात को लेकर यहाँ पर किसान भी अड़े हुए और अभी किसान थे, अब उन्होंने अपनी ट्रालियां भरी भराई ट्रालियां यहाँ पर बुला ली है और नेशनल हाईवे पर पूरी ट्रालियों से जाम लगा दिया है जी। और अभी कुछ ही समय पहले जो है विधायक जालम सिंह जी भी आ चुके हैं और वो किसानों की बात सुन रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं जी। वही प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं इस जाम को खुलवाने के लिए, किसी तरह की कोई बातचीत अभी तक नहीं की गई है? उन्होंने समझाइश बहुत दी, समझाइश के दौर में वो चाह रहे थे कि समझाइश के अंतर्गत उठ जाए, लेकिन किसान उग्र रूप ले चुका है और वो किसी भी हाल में किसी बात पर सुनने को तैयार नहीं है। उनकी एक बात है, या तो कलेक्टर आए या कमिश्नर आए तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि नरसिंहपुर में किसानों ने उग्र आंदोलन किया है। किसानों ने करीब 4 घंटे से NH-26 पर जाम लगाकर रखा है। गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर किसान रोड पर खड़े हुए हैं।